वरोरा चंद्रपुर जिले में चरूर खाती नाईदेव रोड के माध्यम से एकोना कोयला खदान से जीएमआर कंपनी तक कोयले का परिवहन किया जाता है। इस ट्रैफिक के कारण सड़क किनारे की फसलों को काफी नुकसान हुआ था। इस नुकसान को लेकर जिला अध्यक्ष मुकेश देवतोड़े ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे के चंद्रपुर जिले के दौरे पर इस समस्या को लेकर बयान दिया। दानवे द्वारा संबंधित लोगों से संपर्क करने के बाद प्रशासनिक कार्य में तेजी आई और 16 फरवरी को 23 प्रभावित किसानों को 11 लाख रुपए के मुआवजे के चेक दिए गए। इन कंपनियों को कोयले की आपूर्ति एकोना कोयला खदान से की जाती है, जिसके शहर के पास एमआईडीसी में 2 बिजली उत्पादन केंद्र है। कोयले की अवैध ढुलाई के कारण चरूरखटी नाईदेव मार्ग के किनारे की कृषि को नुकसान हो रहा है। इस संबंध में प्रभावित किसानों ने मुआवजा दिलाने को लेकर वरोरा तहसीलदार को बयान दिया था। किसानों ने शिवसेना कार्यालय पहुंचकर शिवसेना के जिलाध्यक्ष मुकेश देवतोड़े के सामने अपनी शिकायत रखी, क्योंकि बयान पर ध्यान नहीं दिया गया और समस्या बनी रही। थाईलैंड वोन संभाजीनगरात मोठे मोठे भिक्कू बनते जी आज आगमन झालं होतं, त्यांचं स्वागत विमानतळावर झालं। स्वागत करत असताना मोठा जमाव होता। यावेळेस मी विमानतळावरील अधिकारी सुरक्षा रक्षकांना यांच्या स्वागताबरोबरच यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी घेण्याच्या सूचना आल्या आल्या केल्या होत्या, परंतु या घटनेचा विपर्यास करून काही लोकांनी मी त्या ठिकाणी गौतम बुद्धाच्या मूर्तीला विरोध केला अशा प्रकारच्या अफवा पसरलेल्या आहेत, या चुकीच्या आहेत। मागच्या काळात शिवसेना आणि वंचित यांची ज्यावेळेसपासून युती झाली त्यावेळेसपासून जाणीवपूर्वक खोडसाळपणे राजकीय दृष्टीने काही लोक अशा पद्धतीनं अफवा पसरवतात, याची सगळ्यांनी दखल घ्यावी, गैरसमज नसावा। धन्यवाद। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपुर।